सभी को नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो और चैनल के ऊपर स्वागत है। तो आज हम गुनाह करने की ट्रिक सीखेंगे। भाई ऐसी ट्रिक है, बहुत ही खतरनाक ट्रिक है। अगर एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि आजकल कंपटीशन का टाइम है तो आपको समय बचाना बहुत ही जरूरी होता है। वीडियो बहुत ही अच्छी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आप कमेंट जरूर करना भाई आपको वीडियो कैसी लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि हमें कंपटीशन के अंदर एग्जाम जो होता है, कॉम्पिटिशन का जो एग्जाम होता है, उसे हमें गुनाह तो सबको करनी आती है लेकिन हमें उसे ट्रिक से करना भी बहुत ही जरूरी होता है। तो हम ऐसी संख्याओं की गुनाह करना सीखेंगे जो संख्याएं मतलब इकाई अंक में जीरो के जो आसपास होती है, कुछ कम होती है या कुछ ज्यादा होती है। जैसे 100 होता है, 200 होता है, 300, 400, 500, 900, 800, 1000 के नजदीक होती है तो उस संख्याओं के हम गुना करेंगे। अगर ट्रिक अच्छी लगे तो उस ट्रिक का फॉलो जरूर करना। तो पहला हमारा क्वेश्चन है इसमें, ये देखेंगे हम 994 को हम 996 से इसके हम गुना करेंगे। तो ये देखेंगे हम, देखो ये हमारे पास इसमें कितना कम है, ये हमारे पास इसमें 6 कम है 1000 से, और ये 1000 से कितना है, ये 4 कम है। कितना कम है, ये 4 कम है। तो सबसे पहले हम 4 के साथ हम 6 की इसमें गुना कर देंगे, 4 के साथ हम इसमें 6 की गुना करेंगे। सिर्फ हमें इसमें एक लाइन में ही हमें इसका आंसर निकालना है। तो 6 के साथ हम 4 की गुना करेंगे, 6 चौके इसमें 24। तो हमें यहाँ इसमें सिर्फ क्या करना, ध्यान देना आपको, सिर्फ हम इसमें यहाँ 3 डिजिट या 3 अंक बनाने जरूरी होते हैं। कितने अंक बनाने जरूरी होते हैं, 3 अंक बनाने जरूरी होते हैं। अब क्या करेंगे, देखो 994 में से अगर हम 4 घटाते हैं, 994 में से हम 4 घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 990 बचता है। या 996 में से अगर हम 6 घटाते हैं, क्योंकि दोनों संख्याएं हमारी क्या है, इसमें माइनस में है। अगर प्लस में होती तो इसमें क्या करते हम, इसको हम प्लस कर देते, ऐड कर देते, लेकिन माइनस है तो माइनस में करेंगे हम, तो इसमें कितना बचेगा, 990 बचेगा। 994 में से हम 4 घटाए या 996 में से हम इसको 6 घटाए तो एक लाइन में इसका आंसर आप जाएगा। तो आप कैलकुलेटर निकाल कर इसे आप चेक कर सकते हैं। अगली वीडियो अगला सवाल हमारा है, ये देखो 900 से कितना कम है, ये 900 से कितना कम है, 5 कम है। तो इसको हम यहाँ 5 कम लिख लेते हैं। ये देखो इसमें 900 से कितना कम है, 9 कम है। तो सबसे पहले हम 9 और 5 के साथ इसमें हम गुणा करेंगे, 9 और 5 के साथ इसमें हम गुणा करेंगे तो 9 5 इसमें कितना आएगा, 45। हम इसमें कितने अंक बनाएंगे, इसमें इसमें हम 3 अंक बनाते हैं। अगर हमें हमारे पास अंकों की कमी रह जाती है तो उसमें हम क्या लगा सकते हैं, इसमें हम 0 लगाएंगे। अब देखो 895 में से हम अगर 9 घटाते हैं, 895 में से हमें 9 घटाते हैं तो कितने बचते हैं, 886 बचते हैं। और इसमें से अगर 891 में से हम 5 घटाते हैं तो कितना बचता है, वही 886 बचते हैं। तो 886 इसका एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ट्रिक अच्छी लगे तो इस ट्रिक का फॉलो जरूर करना। उसके आगे है, जैसे अब ये संख्या हमारे पास इसमें ज्यादा संख्या है तो इस सवाल को हम सोल्व करेंगे। ये देखो 100 से 1000 से कितना ज्यादा है, ये 1000 से 4 ज्यादा है और ये 1000 से कितना है, 5 ज्यादा दिया गया इसमें। तो अब इन दोनों के इसमें हम गुना करेंगे, 5 के साथ हम 4 के गुना करेंगे, इसमें 5 चौके कितना आएगा, इसमें 20। उसी तरह हम इसमें क्या बनाएंगे, इसमें हम 3 अंक बनाएंगे तो एक इसमें 0 लगा देते हैं। अब देखो हमारे पास 1004 था, 1004 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 1009 होता है, 1004 5 में हम 4 जोड़ते हैं तो 1009 होता है। तो आप चाहे इसको इसके साथ जोड़ो या इसके साथ इसको आप जोड़ सकते हैं, इसमें कितना आएगा लास्ट में हमारे पास, इसमें 1009 इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास अगर दो अंकों की संख्या आती है तो उसको हम कैसे करते हैं, ये देखो 100 से कितना कम है, ये 100 से हमारे पास इसमें 5 कम है, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 2 कम है। तो 2 के साथ 5 के साथ हम 2 की गुना करेंगे सबसे पहले हम इसे, तो 5 दूनी इसमें कितना आएगा, 10 आएगा। लेकिन हमें इसमें 3 अंक बनाने जरूरी नहीं थे, क्योंकि हमारे पास इसमें सिर्फ 3 अंक, 2 ही अंक है तो इसमें हमारे पास इसमें 3 अंक दिए गए थे। अब देखो हम 95 में से अगर 2 घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 93 बचते हैं। 98 में से अगर हम 5 को घटाते तो 93 बचता है, तो इसका कितना आएगा, 93 इसका आंसर यह आ जाएगा, 9310 आएगा। अगर हमारे पास 100 से बड़ी संख्या हो जाती है तो ये देखो 100 से कितना कम है, 8 ज्यादा है, और ये 100 से कितना है, 5 ज्यादा है। तो 8 के साथ हम 5 की इसमें सबसे पहले हम गुना करेंगे, 8 5 इसमें 40। अब हम 108 के अंदर अगर हम 5 जोड़ते हैं
108 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 113 आएगा। 105 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो भी 113 आएगा। तो आप इस नंबर के साथ इस नंबर को जोड़ सकते हैं या इस नंबर के साथ आप इस नंबर को जोड़ सकते हैं, तो कितना आएगा इसमें 113। इसका एक लाइन में आंसर निकल चुका है। अगला सवाल है हमारे पास है, लास्ट सवाल है। तो ये कितना ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है और ये कितना ज्यादा है, सॉरी ये कितना है, 7 ज्यादा है। तो 9 के साथ हम 7 की गुणा करेंगे सबसे पहले हम, तो 9 7 इसमें कितना आएगा, 63। 9 7 इसमें 63। अब देखेंगे हम 109 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 116 होते हैं, 107 में अगर हम 9 को प्लस करते हैं तो 116 होता है। तो 109 के अंदर हम 7 जोड़ सकते हैं या 107 के अंदर हम 9 को जोड़ सकते हैं, तो हमारे पास लास्ट में कितना आएगा आंसर, 116 आएगा। तो इस प्रकार से हम एक लाइन के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर ऐसी ट्रिक भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना और बेल प्रेस जरूर करना ताकि ऐसे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सभी दोस्तों तक सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।